Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 11 a.m. in the morning, and today we are going to talk about the Poland Schengen visa. If you are going to Poland for tourism purpose or I can say for business purpose, तो फिर आप अपना शेंगेन के अंदर आपके ऑप्शन आते हैं, तो बिजनेस वीजा का ऑप्शन आता है, टूरिस्ट वीजा का आपका ऑप्शन आता है. सो इफ यू आर गोइंग देयर फॉर ट्रैवल पर्पस और जो आपका फर्स्ट टच बेस जो आपकी लोकेशन है, इफ इट इज पोलैंड, देन आप पोलैंड से अप्लाई करते हैं. पोलैंड का जो VFS है, VFS कॉन्सुलेट का आप वेबसाइट ओपन करते हैं और फिर वहां से अपॉइंटमेंट अपना बुक करते हैं शेंगेन टूरिस्ट वीजा के अंदर. और जो शेंगेन टूरिस्ट वीजा है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता भी नहीं है. अगर आप स्लॉट्स की बात करें तो I think slots are easily available. If you are looking for the appointment for approximately a week, I think you would be able to get the appointment. And there is no fixed time. 24/7 you can check the website. So they release the slot. They can release the slot anytime. Or ek hafte if you are trying for a week, agar aap ek hafte lagatar check kar rahe hain, to mere ko lagta hai uske andar aapko easily mil jana chahiye. Aur jo particular visa hai, iski itni zyada requirement hoti nahi hai, to fir appointment aapko easily mil jata hai. और अगर आप टूरिस्ट पर्पस के लिए पोलैंड जाते हैं तो फिर उसमें आपको बता दूं आइटनरी अपनी आपको बनानी पड़ती है. आइटनरी में आप क्या करते हैं, जो आपका टच बेस अपना सबसे जो फर्स्ट लोकेशन होती है वो आप पोलैंड शो करते हैं. फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो दे हैव मेंशन अबाउट द 27 यूरोपियन कंट्रीज, और उसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं. कुछ जो उनके बॉर्डर्स हैं बाय रोड या वाया फ्लाइट आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती नहीं है. और जो अपनी आइटनरी बनाते हैं, पहले एक बार आपको वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर को शो करनी पड़ती है. बट थिंग इज़ वो जो आइटनरी वगैरह आप बनाते हैं उसमें आप बताते हैं कि आप जो जितना टाइम ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, और वीज़ा लगने के अलग अलग वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट. इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है, एक महीने का भी हो सकता है, दो महीने का भी हो सकता है, 3 months भी हो सकता है, 6 months भी हो सकता है. सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर. और उसके बाद जो सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री ये आप पर डिपेंड करता है, और फिर जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर है उस पर भी डिपेंड करता है कौन सा आपको टूरिस्ट वीज़ा के अंदर आपको वीज़ा मिलता है. जो सिंगल एंट्री में आप एक ही बार जा सकते हैं, और अगर मल्टीपल एंट्री होगा और जो आपका वीज़ा लगा है, इफ़ द वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 5 or 6 months, तो उतना टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप मल्टीपल टाइम जा सकते हैं अगर मल्टीपल आपका वीज़ा लगता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा. सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स. और इसके अंदर अगर कंट्रीज़ के बारे में आपको बात बताऊँ, तो फिर कंट्रीज़ अगर आप देखते हैं तो इन लोगों ने पूरा मेंशन करके बता रखा है. इसमें ऑस्ट्रिया आप जा सकते हैं, बेल्जियम है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक आपका, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, एंड देन देर इज़ वन कंट्री, इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा हार्ड है, लिक्टेनस्टाइन समथिंग लाइक दैट, और थोड़ा हार्ड प्रोनंसिएशन इवन आई कैन नॉट प्रोनंस, आई हैव टू चेक दिस थिंग. और इसके बाद लिथुएनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा, नैदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड. सो दीज आर द प्लेसेज यू कैन ट्रैवल अराउंड और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. अगर आपके पास वीज़ा मिल जाता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. और पहले आप एक आइटनरी शो करते हैं जो आपको अपना इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना पड़ता है आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर. बट अगर एक बार वीज़ा लग जाता है तो फिर मेरे को लगता है प्रॉब्लम नहीं होता, फिर यू कैन ट्रैवल एनी वे. जितना भी आपका वीज़ा टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं. एंड जो आपका शॉर्ट टर्म वीज़ा भी कह सकते हैं इसको, डिपेंड करता है, 90 days का भी मिल सकता है, 60 days का भी मिल सकता है. सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर. अगर आप शेंगेन जोन में कहीं का भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो भी आप अपनी प्राइमरी कंट्री बनाना चाहते हैं, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू. और अभी के उसमें अगर आप कभी भी शेंगेन वीज़ा लगाते हैं तो द प्राइमरी थिंग इज आप एक बार रिसर्च कर लो और देख लो किस कंट्री का अभी वीज़ा मिल रहा है. जो आपका फर्स्ट टच बेस है उसमें कौन सी कंपनीज हैं वो आपको प्रोवाइड कर रही हैं, और जो लिक्टेनस्टाइन जो कंट्री है तो आई थिंक इसका इंडिया के अंदर एम्बेसी नहीं है. और अगर आपको इस कंट्री में आप फर्स्ट टच बेस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एम्बेसी ऑफ स्विट्जरलैंड है न्यू दिल्ली में, आपको वहाँ पे सबमिशन करना पड़ता है इसका. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, तो सारी कंट्रीज़ की एम्बेसी न्यू दिल्ली लोकेशन के अंदर अवेलेबल हैं. और साउथ में आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ की वहाँ भी अवेलेबल हैं. दो ज्यूरिडिक्शन है जैसे आपको पता है, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग अपना सबमिशन कर सकते हैं, नॉर्थ वाले नॉर्थ में, साउथ वाले साउथ में. और एक बार रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा. और इसके अलावा अगर आपको मैं इसकी फ़ी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, दैट इज़ 80 यूरो. अगर आप अपना एप्लीकेशन लगाते हैं देन यू हैव टू पे अराउंड 80 यूरो, दैट इज़ अराउंड 7,000 something rupees. इफ़ यू आर डूइंग द सबमिशन इन इंडिया तो इतना आपको पे करना पड़ता है. और इसके अलावा जो आपका यूरो का रेट होता है फ्लक्चुएट करते रहता है, उसके बेसिस में आपका प्राइसिंग रहता है.
और इसके अंदर अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराऊँ, और अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कब हमको अप्लाई करना चाहिए, अगर आपका जो ट्रैवल डेज है 15 दिन पहले, अगर आप ट्रैवल 15 दिन बाद आप ट्रैवल करने वाले हैं, तो फिर आप 15 डेज़ का एक बफर टाइम रखो, 15 दिन पहले अप्लाई कर लो, या फिर मैं बोलूँगा आपको अप्रॉक्सीमेटली डू इट 25 डेज अर्लियर योर ट्रैवल, अर्लियर देन द डेट, अर्लियर फ्रॉम द डेट यू आर ट्रैवलिंग। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर 25 दिन पहले आप ट्रैवल करोगे तो फिर आपका ऐसा होगा, 25 दिन पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन करोगे, सबमिशन करोगे, 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं जब भी आपको ट्रैवल करना है। बट अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन का आपका टाइम रहता है जो मिनिमम टाइम है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मैक्स टाइम, मैक्स टाइम में ऐसा होता है कि कभी कभी अगर एप्लीकेंट को, किसी किसी एप्लीकेंट में ऐसा भी हो सकता है कि 45 दिन का टाइम ले लूँ, तो मैक्स टाइम 45 डेज है, और जो मिनिमम टाइम है दैट इज 15 डेज। अपॉइंटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, अपॉइंटमेंट आपको जैसा मैंने बताया कि यू कैन इजीली गेट द अपॉइंटमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, जिसमें कवरेज आपका 30,000 यूरोज का होना चाहिए, और इसके अलावा जो ट्रैवल टाइम है उसके बेसिस में आपको अपना इंश्योरेंस परचेज करना होगा। जितना टाइम का आपका स्टे है उतने टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपना इसमें मेंशन करके दे रखा है लोगों, अपना वीज़ा जो भी इंश्योरेंस है आपको शो करना पड़ेगा। इसके अलावा अब मैं जो मेन रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करता हूँ, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। आप एक कवर लेटर बना के देते हैं, कवर लेटर में अपने इंटेंशन वगैरह आप बताते हैं, व्हाई यू आर गोइंग आउट, अपना ट्रैवलिंग पर्पज़ के बारे में बता सकते हैं, यू लाइक ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, आप उसके बारे में कवर लेटर में एक पूरा समराइजेशन करके आप अपना शो करते हैं, CV और आपका कवर लेटर लगता है। एंड देन द अदर थिंग इज जो बैंक बैलेंस रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपनी कंपनी है कंपनी का आपको पे स्लिप लगाना पड़ता है, और पे स्लिप के अलावा एक कंपनी से आप लेटर लगा सकते हैं कि यू आर ट्रैवलिंग, यू आर वर्किंग हियर एंड यू आर ट्रैवलिंग टू शेंगेन जोन फॉर अ टाइम बीइंग। एक ईमेल पे आप येलो लेटर लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी 3 मंथ्स की पे स्लिप लगेगी, आईटीआर लगेगा इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। इफ़ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस इन दैट केस आपको क्या होगा, अपने बिजनेस के कागज लगाने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लास्ट 2-3 साल की आईटीआर अपनी शो करनी पड़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका रिक्वायरमेंट है बैलेंस का, दैट इज़ अराउंड 3.5 लाख से 4 लाख रुपये तक अपना आपको अपना बैलेंस शो करना पड़ता है इसमें। लास्ट 3 मंथ्स की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, नो लॉन्गर डिपॉजिट, और लास्ट 6 मंथ की है, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट द मिनिमम टाइम इज जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है 3 महीने की होती है, बट 6 मंथ की अगर आप शो करोगे दैट इज़ वेल एंड गुड। और अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मोर थिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस, इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड, यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग, अगर आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, आपका बिजनेस भी नहीं है, और इस केस में आपको स्पॉन्सर शो करना पड़ता है, स्पॉन्सर आपके फादर हो सकते हैं। इफ़ योर फादर इज रनिंग अ बिजनेस देन दे कैन शो द बिजनेस डॉक्यूमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट ITR वो शो कर सकते हैं, एक स्पॉन्सर लेटर बना के देते हैं जिसमें वो मैंशन करते हैं दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर थिंग, और आप वहाँ कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही आपका ट्रिप खत्म होगा देन यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी का बिजनेस भी नहीं है, अगर किसी के फादर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो फिर फादर मदर रिलेटिव जो आपका सिस्टर हैं सिबलिंग्स हैं आप वो भी लगा सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं, और वो स्पॉन्सर लेटर आपको बना के देते हैं, फिर अपने ITR और अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका पे स्लिप्स वगैरह हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन दे कैन डू दैट। क्योंकि अगर आप इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा, तो उसमें आपका एक जस्टिफिकेशन में क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर आप इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं और आपको कोई स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा, तो इन दैट केस हाई चांसेस हैं कि आप शेंगेन जोन पर जाओगे, फिर वहाँ से वापस नहीं आओगे, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जैसा जस्टिफिकेशन वाला आपका रिजेक्शन हर बार हर वीज़ा कैटेगरी के अंदर आ सकता है, बी इट स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, और इसके अलावा द अदर वीज़ा इज शेंगेन वीज़ा, तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी करने पड़ेंगे, फोटो की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा चेकलिस्ट आपको फिल करनी पड़ती है, देर आर अदर डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड, डमी टिकट आपको रिक्वायर्ड होगी, और इसके अलावा इंश्योरेंस आपका रिक्वायर्ड रहता है। तो चेकलिस्ट अगर आपको दिखाऊंगा तो मैं इसकी सो हेयर इज़ अ चेकलिस्ट, अगर आप देखो यहाँ दे आर मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊँ तो द फर्स्ट थिंग इज़ पासपोर्ट, एंड द अदर थिंग इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एंड द थर्ड थिंग इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप साइन करते हैं जिसे अपना फिल करते हैं उसके बाद, एंड देन 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द पर्पज ऑफ ट्रिप दैट इज़ आइटनरी, और उसके अलावा आपको फ्लाइट रिजर्वेशन शो करनी पड़ती है, एंड देन ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट अकोमोडेशन लेटर इज रिक्वायर्ड, अगर आप कितने टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं तो आप कहाँ पर स्टे करोगे उसके बारे में आपको शो करना पड़ता है, एंड देन प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स
आपको शो करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ओरिजिनल प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल सैलरीड पर्सन तो आपको ही शो करना पड़ता है। इसके अलावा मैंने सब सारा आपको बता दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर फ्यू अदर थिंग, ये माइनर्स के लिए, और आपको अपनी चेकलिस्ट फिल करनी पड़ती है एंड देन इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के शो करना पड़ता है। आई डू वन थिंग, आल मेक अ सेशन ऑन दिस एज वेल, और जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे अपना अपना अगर आप खुद प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आल लेट यू नो अबाउट दैट एज वेल, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रोसेस। मैं आल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट द थिंग इज अगर आप शेंगेन वीज़ा के लिए जाते हैं वो कन्वर्ट नहीं होता। शेंगेन वीज़ा आपका जैसे ही एक्सपायर होगा देन यू हैव टू कम बैक टू योर होम कंट्री, सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और शेंगेन वीज़ा में बहुत पहले होता था, बट राइट नाउ द थिंग इज 4-5 साल से आप कन्वर्ट नहीं होते हैं आपके वर्क परमिट शेंगेन वीज़ा पे जा रहे हैं, तो फिर आपको जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होगा देन यू हैव टू कम बैक टू योर होम कंट्री, सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन।